3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइज़न हिंद न्यूज़। निर्जला एकादशी पर शिव कॉलोनी की रहने वाली माताजी ने किया गुप्तदान। पाड़गंज राजकीय डिस्पेंसरी में कोल्ड वाटर कूलर किया भेंट। शिव कॉलोनी पाड़गंज में रहने वाली माताजी शकुंतला देवी द्वारा निर्जला एकादशी पर गुप्तदान स्वरूप पाड़गंज राजकीय डिस्पेंसरी में कोल्ड वाटर कूलर भेंट किया गया। इस वाटर कूलर का लोकार्पण विधायक अनिता बधेल के कर कमलों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। अनिता बधेल ने बताया कि आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर लोग सुराही, मटके, फलों आदि का दान पुण्य करते हैं। इसी कड़ी में शिव कॉलोनी पाड़गंज निवासी शकुंतला देवी माताजी ने अपनी ओर से गुप्तदान स्वरूप यह वाटर कूलर राजकीय डिस्पेंसरी को भेंट किया है। इस वाटर कूलर पर उन्होंने अपना कोई नाम भी नहीं लिखवाया है। उनका कहना है कि दान गुप्त होना चाहिए, किसने दिया यह किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें उनका नाम पता है, इसलिए हम मीडिया को बता रहे हैं, अन्यथा उन्होंने वाटर कूलर पर कुछ भी नहीं लिखवाया। हम उनका इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस वाटर कूलर से डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को हर वक्त ठंडा शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सकेगा। इस मौके पर माताजी शकुंतला देवी के परिवारजन भी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये आज देखिए कितना शुभ दिन है, निर्जला एकादशी 11 है और इस 11 के दिन हमारी शिव कॉलोनी के एक माता जी द्वारा, शकुंतला जी द्वारा, ये बिना नाम का, इसके कोई नाम वाम नहीं लिखाया गया है, गुप्त दान वो चाहती हैं कि मेरा नाम नहीं हो, लेकिन हमें चूंकि जानकारी है इसलिए बता रही हूँ कि शकुंतला जी द्वारा ये गुप्त दान दिया गया है, वाटर कूलर दिया गया है। और यहाँ से पाड़गंज डिस्पेंसरी के आसपास बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको ठंडा पानी मिले, वो अच्छे से बैठे हैं, इस नाते से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह से ये डिस्पेंसरी धीरे धीरे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रूप ले और बड़ी डिस्पेंसरी बने, यही हमारी इच्छा है, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के मुताबिक बड़े स्तर पर शुरू हुआ वैक्सीनेशन कार्य। पाड़गंज राज्य की डिस्पेंसरी में ही 700 डोज वैक्सीन की खेप पहुंची। भाजपा कार्यकर्ता जुटे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन में। पहाड़गंज राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दक्षिण विधायिका अनिता बधेल ने डिस्पेंसरी का दौरा कर व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने बताया कि पूरे देश में आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। आज अकेले पहाड़गंज डिस्पेंसरी पर ही 700 वैक्सीन की डोज आई हैं। यहां भाजपा कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब तेज़ रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन वैक्सीनेशन हो पा रहा है, अन्यथा राज्य सरकार ने तो ऐलान करने के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। मोदी जी इसी तरह देशवासियों की सेवा करते हुए बार बार प्रधानमंत्री बने, ऐसी कामना है। राजस्थान में आज के दिन 15 लाख वैक्सीन की डोज आई है और जून माह में कुल 25 लाख डोज आनी है। ऐसे में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए, ताकि कोरोना को हराया जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। माननीय मोदी जी ने पहले 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन फ्री किया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 18 प्लस वालों के लिए भी वैक्सीन फ्री की है। और इसका लाभ लेने के लिए पहाड़गंज में देखिए आज 700 डोज सिंगल पहाड़गंज में आए हैं और लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगें, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को बचाया जा सके। आज राजस्थान में 15 लाख डोज आए हैं अब तक, और इस जून महीने का टारगेट है 25 लाख डोज आना, जो केंद्र सरकार 25 लाख डोज देने वाली है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि राज्य सरकार तो फेल हो गई थी, मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए थे, ऑनलाइन स्लॉट के अलावा कोई वैक्सीन लगा ही नहीं सकता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के दवाई देने के बाद में ऑफलाइन भी 18 प्लस के स्लॉट मिल रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा देश विकास की पुनः वह रफ्तार पकड़ सकता है जो कोरोना से पहले थी। तो एक बार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और आग्रह करते हैं कि वो उसी तरह से हमारी सेवा करते रहेंगे और बार बार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। पहाड़गंज राजकीय डिस्पेंसरी की प्रभारी डॉक्टर शारदा मोयल ने बताया कि आज 700 डोज वैक्सीन की केंद्र पर आई है और पूरे दिन में उन्हें खपाना है, इसलिए 18 से 44 और 45 से अधिक आयु वर्ग के वह लोग जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई हुई है, वह इस केंद्र पर आकर दूसरी डोज भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा जिसने ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करा रखा है वह, और जिसने कोई बुकिंग नहीं कराई है वह भी आकर वैक्सीन की डोज लगवा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले पहले सभी का वैक्सीनेशन हो जाए, इसी मंशा के साथ केंद्र सरकार ने पूरे देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिसका सबको लाभ लेना चाहिए। कौन सी जगह? हाँ, आज यहाँ पर राजेंद्र स्कूल में कोविशील्ड लग रही है और 18 प्लस वालों के लिए है, ऑफलाइन भी है और स्लॉट बुकिंग भी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम स्लॉट बुकिंग वाला को ज़्यादा वेट करें, ऑफलाइन भी कंटिन्यूशन में चल रही है। और 700 डोज हमें मिले हैं, वो 700 डोज हमें आज ख़त्म करने हैं, हमारे टारगेट में है। इसलिए मैं ये निवेदन करूँगी कि जिनके भी अगर वैक्सीन नहीं लगी है 18 प्लस 18 से 44 वाले, और जिनके 45 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, जिनके कोविशील्ड बाकी है नहीं लगी है, वो कृपया आ जाए। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? हाँ, उत्साह है लोगों में, बराबर उत्साह है, और हमें ये उत्साह बनाए रखना है क्योंकि अब जल्दी से जल्दी जो तीसरी लहर का जो डर हमें हो रहा है, उससे पहले हम चाहते हैं कि सभी वैक्सीनेट हो जाएं। शादी का झांसा देकर 11 साल तक देह शोषण का लगाया आरोप, परिवादिया ने अलवरगेट थाने में युवक के खिलाफ दर्ज कराया प्रकरण। अलवरगेट थाने के उप निरीक्षक दातार सिंह मेहतिया ने बताया कि 20 जून को परिवादिया ने नीम का थाना जिला सीकर निवासी संदीप यादव के विरुद्ध एक परिवाद दायर कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि संदीप यादव ने उसे शादी का झांसा देकर 11 साल तक लीव इन रिलेशनशिप में रखा और उसका लगातार देह शोषण करता रहा। इस बीच उसने दूसरी जगह सगाई कर ली और शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवादिया ने अलवरगेट थाने में संदीप यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर IPC की धारा 376 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या मामला है? दिनांक 20/6/21 को एक महिला ने थाना जब एक रिपोर्ट पेश की
कि संदीप यादव निवासी नीमका थाना जिला सीकर से 11 वर्ष पूर्व मेरी दोस्ती हुई। उसके बाद में संदीप यादव शादी का झांसा दे करके 11 साल तक उसके साथ में यौन संबंध बनाता रहा और उसे शादी नहीं की। अब वो कहीं दूसरी जगह उसने सगाई कर ली, जिस पर इसने थाना जा पर रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजिम की तलाश जारी है, अनुसंधान जारी है। दातार सिंह मेड़तिया उप निरीक्षक पुलिस थाना अलवरगढ़। इसमें 376 और धारा 420 IPC में दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। सर्व ब्राह्मण महासभा पंजीकृत द्वारा बनाए गए पंचांग का विधिवत मुहूर्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नसुदा विधायक ने ब्राह्मणों की मौजूदगी में किया लोकार्पण। सर्व ब्राह्मण महासभा पंजीकृत द्वारा बनाए गए नए पंचांग का मुहूर्त सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा व मसूदा विधायक राकेश पारिक के द्वारा किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्राचीन गणेश मंदिर आगरा गेट के आचार्य घनश्याम दास, मकराना से पधारे निर्मल पारिक सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। प्राचीन गणेश मंदिर के आचार्य घनश्याम दास ने बताया कि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, वार त्यौहार, ग्रहण, उपवास, भविष्यवाणियां, ग्रह गोचर, मुहूर्त, उपाय, विधियां आदि संपूर्ण जानकारी वैदिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अंकित रहती है, जिससे वर्ष पर्यंत सभी तरह की जानकारियां सहज उपलब्ध हो जाती हैं। पंचांग के भरोसे ही विवाह मुहूर्त व अन्य पूजा पाठ कर्म विधि विधान तय होते हैं। पंचांग में कोरोना का अंत समय भी अंकित है, जिसका जल्द ही क्षय होने वाला है। देश वापस से खुशहाल होगा, ऐसी पंचांग में भविष्यवाणियां अंकित है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जी साहब, आज ये सर्व ब्राह्मण महासभा पंजीकृत से नए पंचांग का मुहूर्त किया है, इसके अंदर श्री विमल जी पारिक साहब आप मकराना से पधारे हैं। अच्छा जी, नहीं नहीं चल, हाँ पंचांग में बहुत 5 अंगों से बना हुआ है, तिथि, वार, नक्षत्र, सभी प्रकार की चीज़ें पंचांग आगे होने वाली चीज़ों को वर्तमान में बताता है। पंचांग के अनुसार ऐसा होता है, ग्रहण को बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं, ग्रहण किस टाइम आएगा, कितनी बजे होगा और कितनी बजे से कितनी बजे तक रहेगा, इसको ये आपका पंचांग गणित से बता देता है। इसके अंदर कोरोना काल की भी गणित बताई गई है कि कोरोना शीघ्र समाप्त होगा और इससे सभी को राहत मिलेगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर उपाय बताए गए हैं कि भगवान शिव जी के पानी में तिल डाल करके जल चढ़ाने से बीमारी का तुरंत क्षय होता है और हनुमान चालीसा का पाठ, चमेली का तेल का दिया जला करके और हनुमान जी का पाठ करने से घर की पीड़ा शांत होती है। घर के दक्षिण दिशा के अंदर मनी प्लांट का पौधा लगाने से यह पीड़ा का अंत होता है। इस मौके पर मसूदा विधायक राकेश पारिक ने सर्व ब्राह्मण महासभा को पंचांग के लोकार्पण पर शुभकामनाएं दी और सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा मखराना से पधारे हुए ब्राह्मण समाज के नेता लोगों ने जो साल भर का पंचांग प्रकाशित करते हैं, उस इस साल के पंचांग का विमोचन आज मेरे द्वारा और ADM है अजमेर में अपने कैलाश चंद जी शर्मा ने हमने किया और घनश्याम आचार्य विमल जी शर्मा, घनश्याम जी आचार्य विमल जी शर्मा, तमाम इन नेताओं द्वारा ब्राह्मण समाज का ये पंचांग, जिससे पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे ज़िले को शांति मिलेगी और उनको जानकारी मिलेगी कौन से मोड में काम करना चाहिए, उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे भविष्य और भूतकाल में क्या हुआ। इन सब चीज़ों से ब्राह्मण समाज हर तरीके से लाभान्वित करता है आम जनता को, लेकिन इस पंचांग से, इस किताब से
लोगों को और ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत साइकिल की दुकान पर काम करा रहे दो बच्चों को बाल श्रम से कराया मुक्त। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई में साइकिल दुकान संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। सोमवार को मानव तस्करी विरोधी यूनिट की थाना प्रभारी कल्पना राठौड़ और उनकी टीम ने चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्लॉक टावर थाना अंतर्गत बाल श्रम करा रहे आलवानी साइकिल वर्क से दो बच्चों को डिटेन किया और साइकिल दुकान संचालक ईश्वर चंद आलवानी के विरुद्ध 79JJ एक्ट में आरोप पंजीकृत कर क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट थाना प्रभारी कल्पना राठौड़ ने बताया कि आलवानी साइकिल वर्क से 14 साल और 16 साल के दो बच्चों को बाल श्रम के तहत डिटेन कराया गया है और उन्हें बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया है। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में चाइल्ड लाइन से कुशाल रावत, मानव तस्करी विरोधी यूनिट की थाना प्रभारी कल्पना राठौड़ के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल हीरा सिंह, संगीता, कांस्टेबल रामस्वरूप और गोविंद शामिल रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम की कार्यवाही की गई है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आलवानी साइकिल की शॉप है जहां पे ये बच्चे काम कर रहे थे। पूर्व में भी साइकिल के ये शॉप का जो ओनर है उसको हमारे द्वारा समझाइश की गई थी, लेकिन उसने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया, इसलिए आज हमने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। ये दोनों बच्चे, एक बच्चा 14 साल का है और एक 16 साल का बच्चा है, और साइकिल के शॉप का जो ओनर है उसका नाम ईश्वर चंद आलवानी है, जिसके विरुद्ध हम क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। और 79JJ एक्ट। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की निंदा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायकों को परमानेंट करने की मांग। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ द्वारा प्रदेश कोषाध्यक्ष ईश्वर यादव के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ईश्वर यादव ने बताया कि प्रदेश में 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक मिलकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान को लेकर आक्रोशित हैं। दो दिन पूर्व मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री डोटासरा ने पंचायत सहायकों को RSS का कार्यकर्ता बताया था, जबकि प्रदेश के 27,000 ग्राम पंचायत सहायक मात्र 6,000 मानदेय में दो दो विभागों के लिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने की जगह शिक्षा मंत्री मनोबल गिराने वाले बयान देकर छवि खराब कर रहे हैं। लिहाजा शिक्षा मंत्री डोटासरा अपना विवादित बयान वापस लें और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी पंचायत सहायकों को नियमित करें। सरकार ने आज 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अपना जन घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया है। यदि जल्द से जल्द इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक महा आंदोलन करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमारी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने जो 2 दिन पूर्व हमें एक बयान दिया था कि पंचायत सहायक RSS के एजेंट हैं, वो अपने शब्दों को वापस लें। हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, और वो भी 6,000 मासिक मानदेय में। आज सरकार को जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे परमानेंट किया जाए, हम 27,000 पंचायत सहायक परिवारों को राहत दी जाए। किशोर यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, राजस्थान। मामला ये है कि सर, हमें एक तो शब्दों को वापस लेना, शिक्षा मंत्री जी हमारे खिलाफ, हमको उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी इन पंचायत सहायकों को नियमित किया जाएगा। आज नियमित करना तो दूर, हमें RSS के एजेंट बताया जा रहा है, इसका साफ साफ अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने जा रही है।
नहीं सर, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। राज्य सरकार ने लगाया था हमको, बीजेपी सरकार ने विद्यार्थी मित्रों को वापस रोजगार देने के लिए लगाया था, लेकिन फिर सरकार वही कर रही है, कमेटियां बनाई, कमेटियों में भी लिखा पंचायत सहायकों को परमानेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज हमारा कुछ भी नहीं है। सर हमारी 22 पंचायत सहायक गुजरे हैं, उनकी भी अभी हमारे बीमा कवर को लेकर के हम भागादौड़ी कर रहे हैं, उनके लिए भी, उन परिवारों को राहत दिलाने के लिए। हम 6000 में काम कर रहे हैं सर, दो दो विभागों में काम कर रहे हैं। आज सरकार को हमें कुछ हमारा मानदेय सम्मानजनक करके हमें नियमित करना चाहिए। घोषणा पत्र में भी वादा किया था, ये हमारी मांग नहीं सरकार की खुद की थी कि जब हम चुनाव जीतेंगे हमारी सरकार बनेगी, इन पंचायत सहायकों को नियमित किया जाएगा। किशोर यादव जी सर, हमें पहले 8 साल विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया, अभी 4 साल पंचायत सहायक के रूप में, बीच में 3 साल घर बैठाया गया था, ये 15 साल सर हम इस चीज़ के लिए आस लगा रहे हैं, परमानेंट रोज। वार्ड 15 के सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। चामुंडा माता मंदिर कमेटी के नीरू भाई ने महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को शॉल माला पहना कर दिया सम्मान। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में जब सब लोग घरों में थे, तब हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स ने वार्ड की दोनों टाइम सफाई रखकर हमें सुरक्षित रखा। ऐसे में हर वार्ड में स्थानीय भामाशाह व स्थानीय लोग उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन करें, ये कहना है चामुंडा माता मंदिर कमेटी के नीरू भाई का। मंदिर कमेटी के नीरू भाई सोमवार को वार्ड नंबर 15 के सामुदायिक भवन में वार्ड के तमाम सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने 22 महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी और माला पहनाकर व 8 पुरुष कर्मचारियों को शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज ये हमारे कोरोना काल में इन्होंने हमारे रात दिन सेवा की है, इन बीमारियों से इन्होंने बचाया है, इस वजह से इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है। इसमें 22 तो महिला है, 8 पुरुष है, जिनका शॉल उठा के और चुनरी की साड़ियाँ पहन करके सम्मान किया गया। सम्मान क्यों करा आपने? ये सम्मान इसलिए करा कि जब भी हाजिर हुए, ये आधी रात को हाजिर हुए हैं राकेश जी, इनकी टीम, कोई भी चीज़ से हमको परेशान नहीं होने दिया, जब भी आदमी याद करा उसी टाइम हाजिर हुए हैं। लोग कोरोना के अंदर घर के अंदर थे और इस तरह से रोड पर साफ सफाई में लगे हुए थे, तो इसलिए इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना, मैं सभी भामाशाहों से कहता हूँ कि जरूर इनका सम्मान किया जाए। कहाँ पे किया जाए अपने सम्मान? आज इनका सम्मान 15 नंबर वार्ड सामुदायिक भवन चूड़ी बाजार GPO के पीछे, इसकी तरफ से हुआ है। ये मंदिर कमेटी, चामुंडा माता मंदिर कमेटी की तरफ से, मैं नीरू भाई सेवादारी। वहीं वार्ड 15 के सफाई जमादार राकेश कुमार ने बताया कि ऐसा सम्मान उनका इससे पहले कहीं नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक अपनी जान की परवाह किए बगैर घर से बाहर निकलकर नियमित वार्ड की साफ सफाई कर सेवा की। आज इस सम्मान के प्रति सम्मानित करने वालों का आभार जताया जा रहा है। आज जो सम्मान हुआ है आपका, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से सम्मान हुआ? पूरे वार्ड में पहली बार ऐसा सम्मान हुआ है हमारा कर्मचारियों का, और ये नीरू जी की तरफ से किया गया सम्मान हमारे वार्ड में। ये पूरे कर्मचारियों का माला और ये ताड़ी और ये टोल देके इन्होंने सम्मान किया है, जो हम इसके बहुत आभारी हैं इनके। किस तरह की खुशी है आपको? खुशी बहुत है कि पहली बार इन्होंने पूरे वार्ड में पहली बार सम्मान किया गया कर्मचारियों का। लॉकडाउन में इससे पहले कोई सम्मान नहीं हुआ। किस तरह से काम करते हो आप कोरोना में? ये कर्मचारी पूरे मतलब अपने दिल जानते पूरा काम करते हैं। कोरोना काल के अंदर किस तरीके से काम किया आपने? रोजगार तो घर के अंदर घर में थे, ये दोनों टाइम काम पे आते थे ये, और अपने दिल से काम करते थे। मतलब बीमारी के अंदर भी इन्होंने अपनी दिल जान से ड्यूटियों पे आए हैं, टाइम से आए हैं और ड्यूटी पे काम किया इन्होंने पूरा समय ऐसी बीमारी में भी। कांग्रेसियों ने विधायक देवनानी पर कोरोना संक्रमण आपदा में भी सस्ती लोकप्रियता का अवसर ढूंढने का लगाया आरोप। राज्य सरकार द्वारा विधायक कोष से दी जा रही सूखी राशन सामग्री पर देवनानी का नाम लिखा होने से कांग्रेसियों में आक्रोश। राजस्थान सरकार द्वारा विधायकों से 25 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा में गरीब जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवंटित किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी पर आपदा में भी राहत बांटने में राजनीति के अवसर ढूंढने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोमवार को उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता
उनके भाई पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, उनके बेटे शक्ति सिंह रलावता, प्रताप यादव, अजय तैनगोर आदि ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए आटे के कट्टे पर विधायक वासुदेव देवनानी का नाम छपा होने पर आपत्ति जताई है। साथ ही देवनानी द्वारा वार्ड 15 में खुद अपने लोगों को राशन सामग्री वितरित करने के फोटो भी साझा किए हैं। कांग्रेसियों को आपत्ति है कि भाजपा वाले राशन सामग्री वितरण में क्यों मौजूद हैं, क्यों उनका नाम लिखा आटा वितरित किया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए विधायक कोष के लिए सैंक्शन किए थे। आपको याद होगा पिछले दिनों मोदी जी की सरकार में सांसद से 5 करोड़ रुपए ऐसे के ऐसे प्राइवेट मिनिस्टर रिलीफ फंड में ले लिए गए थे। इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए, 1 करोड़ रुपए मेडिकल की फैसिलिटीज़ के लिए, 75 लाख रुपए फूड एंड सप्लाई के लिए रखे गए थे और 25 लाख रुपए फूड एंड सप्लाई के लिए रखे गए थे और 75 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे गए थे। कल जो 25 लाख रुपए की फूड एंड सप्लाई जो अजमेर में जो बांटी जा रही है, उस फूड एंड सप्लाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका राजनीतिक रूप से दोहन कर रहे हैं, जबकि गरीब को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। मैंने जिलाधीश महोदय से मांग की है, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग की है और मांग करनी ही की है। मैंने कहा साहब, ये आटे के कट्टे पे लिखा हुआ है, जब आटे के कट्टे पे वासुदेव देवनानी लिखा हुआ है और वासुदेव देवनानी खुद बांट रहा है ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, इसलिए लिहाजा किन लोगों ने ये लिस्ट बनाई, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौके पर बैठ के बंटवा रहे हैं। कल दूसरे वार्ड नंबर 15 में जो हुआ, तो 15 के अंदर जो बांट रहे थे वहाँ हारा हुआ भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का प्रत्याशी बांट रहा था। वहाँ पूर्व भारतीय जनता पार्टी का सुरेश गोयल, जो पूर्व मनोनीत पार्षद है, वो बांट रहा था। रिचित कसावा, जो रहने वाला कहाँ का है, मीडिया सेल का प्रभारी है, रहने वाला पंचशील का, वो बांट रहा था आज इस मंजुआ पे। तो मेरा निवेदन था कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रूप से जो राजनीति कर रहे हैं उसको बेनकाब करने के लिए, मैंने आज कलेक्टर साहब से कहा है कि इनके विरुद्ध पूरी जांच होनी चाहिए। रसद विभाग का जो अधिकारी जिसने ये आटे के ऊपर किए लगाएं, और ये मेरा निवेदन है कि जो कट्टे इस नाम से बटे हैं उसकी रिकवरी भी इन विधायक मुद्दे से व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए। अब राजनीति में सस्ती लोकप्रियता के अवसर कौन ढूंढ रहा है, इसका निर्णय तो दर्शक ही करें। लेकिन आपको बता दें कि हर वार्ड में BLO द्वारा चयनित किए गए निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की लिस्ट बनाकर जिला रसद अधिकारी को दी जाती है। जिला रसद अधिकारी उस लिस्ट के आधार पर उतने ही किट उस क्षेत्र के लिए आवंटित करते हैं जिनका वितरण BLO की मौजूदगी में ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ABBP ने किया योगाभ्यास, कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर मनाया योग दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर द्वारा सोमवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चल रहे 7 दिवसीय योग शिविर का समापन किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि 15 जून से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ब्यावर रोड HMT के पास झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोहार परिवारों के बच्चों के साथ योग शिविर का शुभारंभ किया गया था। 7 दिवसीय योग शिविर का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समापन किया गया। बच्चों ने 7 दिन में सीखे योग और प्राणायाम का प्रदर्शन किया। ABBP के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि भारत की संस्कृति की अमूल्य विधा योग विश्व का कल्याण कर रही है, जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों, महर्षियों और योग गुरुओं ने पूरे विश्व को दी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मानसिक आत्मिक शांति व शारीरिक शक्ति हेतु नित्य योगाभ्यास का संकल्प भी लिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा सेवा बस्ती जो के बच्चों के साथ जो शिविर चलाया जा रहा था, उसके साथ आज योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भारत की एक अहम जीत है कि आज जो योग था, भारत की जो परिपाटी थी, उसको आज पूरे विश्व के अंदर माना जा रहा है और पूरा विश्व आज सूर्य नमस्कार प्राणायाम कर रहा है और इसकी महत्वता को समझ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ मैं पूरे अजमेर ABP की तरफ से पूरे विश्व को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी संकल्प के साथ हमने योग किया कि इसको हमारे जीवन में निरंतर योग को की भूमिका को बनाए रखेंगे। वार्ड नंबर 13 अजय नगर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की चार दीवारी को ऊंचा कराने के कार्य का शिलान्यास। अनिता बदेल के विधायक कोच से स्वीकृत 10 लाख रुपए से बनने वाली बाउंड्री वाल का महंत स्वरूप दास के सानिध्य में विधिवत हुआ शिलान्यास। दक्षिण विधायक अनिता बदेल के विधायक कोष से 10 लाख रुपए की राशि वार्ड नंबर 13 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अजय नगर की चार दीवारी को 5 फुट ऊंचा कराने के लिए स्वीकृत कराई गई है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बाउंड्री वाल को ऊंचा कराने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसका शिलान्यास समारोह सोमवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास के आतिथ्य में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर विधायक अनिता बदेल ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता विद्यालय परिसर में अपनी स्वेच्छा से हर वर्ष पौधारोपण का कार्य करते हैं, जिससे यह परिसर काफ़ी हरा भरा हो गया है। आज यहां ग्रीन आर्मी द्वारा 5 पीपल के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही मानसून में और भी वृक्षारोपण किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, लगातार 5-6 वर्षों से ये जो पूरा परिसर है, ये इसमें सुअर घूमते थे, कचरा होता था, असामाजिक तत्व आते थे और इतना अच्छा परिसर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई केयर नहीं कर पाता था। 5-6 साल पहले हमारे कुन्नू भैया हैं, उन्होंने यहाँ धीरे धीरे पेड़ लगाना शुरू किया कि इतना बड़ा परिसर है, चलो अपन पेड़ लगाते हैं। और मुझे भी बुलाया वृक्षारोपण के कार्यक्रम में, गुरुजी को भी आमंत्रित किया, गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने ये सब कार्य संपन्न किया। और हर वर्ष अब सिलसिला ऐसा हो गया कि प्रतिवर्ष हम पेड़ लगाने आते हैं। पिछले साल जब मैं पेड़ लगाने आई थी, तो उस समय मुझे कहा था कि इस स्कूल की जो चार दीवारी है, यदि इसको ऊँचा कर दिया जाए तो और सुंदर भव्यता आ जाएगी और पेड़ों को हम और अच्छे से संरक्षित कर पाएंगे, लगा पाएंगे। अभी देखिए, कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कितनी नितांत आवश्यकता थी, तब लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और पिछले साल की इनकी डिमांड पर मैंने 10 लाख रुपए इस बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत किए हैं। तो पूरी तरह से चारों तरफ से ये बाउंड्री वॉल एक लेवल में ऊंची होने वाली है और उसके कारण से ये पूरा परिसर सुरक्षित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो आने वाले बच्चों को भी, और मुझे लगता है कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, वैसे तो पार्वती उद्यान पास में ही है जो ADA ने बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिसर भी हमें उपलब्ध हो सकेगा घूमने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। अभी भी बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय के बच्चों को भी आरामदायक सुविधा मिलेगी और आसपास की कॉलोनियों को भी अच्छी ठंडी हवा यहाँ से मिल सकेगी। ये सब हमने गुरुजी के आशीर्वाद से हम ये संपन्न कर पाए। आप देखिए, इस परिसर में जितने पेड़ लगे हैं, हर पेड़ गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे कुन्नू भैया, उनके पिताजी है ना, उनकी मदर और पूरा परिवार, गर्मी जब भीषण गर्मी होती है तब भी टैंकर से उन्होंने पानी की सप्लाई किया, और इसी कारण से एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हमने लगाया हो और वो बड़ा वृक्ष के रूप में नहीं बदला हो। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं जिनकी बदौलत जो है हम वृक्षारोपण को जो है वास्तव में हकीकत में बदल सकते हैं।
तो एक सहयोग 10 लाख रुपए का तो निमित्त मात्र है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि पूरा परिसर हरा भरा रहे। और वो गुरुजी की प्रेरणा से हम करते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, और ना केवल आशीर्वाद मिलता है बल्कि हमें काम करने की प्रेरणा भी आपसे मिलती है, और उसके कारण से ये नए नए काम हम पर डे प्रतिदिन करते रहते हैं। आज हमारे माननीय विधायक जी की ओर से, लोकप्रिय विधायक नेता बदेल जी की ओर से यहाँ पे UIT कॉलोनी में जो एक सरकारी स्कूल का गार्डन था वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और यहाँ पे 10 लाख रुपए की बजट से यहाँ की दीवारों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे कॉलोनी को बहुत सुविधा मिलने वाली है। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन ने बताया कि क्षेत्र में नज़दीक ही पार्वती उद्यान है, जिसके पास ही इस राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर जो पहले उजाड़ पड़ा था उसमें स्थानीय लोगों द्वारा सेवा कार्य करते हुए उसे हरा भरा किया गया है। लगातार हर वर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है, आज भी वृक्षारोपण किया गया है। उन्होंने बाउंड्री वॉल ऊंचा कराने के लिए विधायक अनीता बदेल द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया। हरिओम, ये पार्वती उद्यान अजयनगर के पास में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, जिस परिसर में करीब 5-6 सालों से वृक्षारोपण कार्यक्रम होता रहता है, और आज का दिन भी निर्जला एकादशी और योग दिवस भी है। तो ये हमारी बहन जी अनीता बदेल जितने अथक प्रयास से ये जो बाउंड्री वॉल है, यहाँ भी पानी की टंकी का काम है, या और भी अन्य सौंदर्यीकरण का कार्य है, तो बहन जी को अगले साल बोला था, तो बहन जी ने इस बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए रात किए शासन में से पास करवाए हैं, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आगे भी समाज की ऐसी सेवा करती रहें, और आज का दिन ये पर्यावरण का योग दिवस भी था, तो उसके उपलक्ष्य में आज पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, करीब आज 5 पौधे लगाए गए हैं, और आगे जैसे बरसात पड़ेगी तो फिर कार्यक्रम और भी रखा जाएगा। तो आप सबका भी धन्यवाद है, मीडिया वालों का भी, और जो भी नागरिकगण आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर ग्रीन आर्मी के सचिव कुलदीप सिंह गहलोत और उनके साथियों ने स्वर्गीय राजेश मित्तल की स्मृति में उनकी पत्नी द्वारा दिए गए 5 पीपल के वृक्षों का रोपण किया। उन्होंने बताया कि ग्रीन आर्मी लगातार जीवन मरण और परण पर लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करते हुए उन्हें सींचने और सहेजने का कार्य कर रही है। मानसून में और भी वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे, इसमें आमजन का भी सहयोग अपेक्षित है। देखिए, ग्रीन आर्मी हमने 6 वर्ष पहले सिर्फ इसलिए अजमेर में चालू करी थी कि हम पेड़ लगाएंगे और एक ब्रिज के हिसाब से लगाएंगे। आज जैसे जो कार्यक्रम रखा है ये इसलिए रखा है कि हमारे एक मित्र राजेश मित्तल हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनकी पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी से, चूंकि वो कोरोना में गए हैं, तो उन्होंने आज 5 पेड़ यहाँ लगाने के लिए हमें सहर्ष दिए। पीपल के पेड़ हमने यहाँ लगाए हैं। ऐसे ही हमारे रोटरी क्लब के हमारे मित्र हैं हंसराज जी अग्रवाल, उनकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी, उस मैरिज एनिवर्सरी को उनकी पत्नी और उन्होंने दोनों ने 10 पेड़ बड़े हमें दिए और कहा कि ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ ये अच्छी तरह से चल सकें। तो हमारे ग्रीन आर्मी का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जन्म मरण और परण, इन तीनों को कैसे भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में हम पूरे अजमेर को हरा भरा कर सकें। किशनगढ़ में बंदूक की नोक पर युवती का अपहरण करने का आरोपी जमानत पर छूटते ही दे रहा है धमकियां। आरोपी पुलिस निरीक्षक का बेटा होने से पुलिस नहीं कर रही आरोपी पर कार्यवाही। 5 मार्च को मदनगंज सुमेर नगर से बंदूक की नोक पर पिता के साथ मारपीट कर युवती का अपहरण कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सुनील चौधरी ने जमानत पर छूटते ही युवती व उसके परिजनों को फिर से धमकाना शुरू कर दिया है। सुनील चौधरी लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धमकी देते हुए पोस्ट डाल रहा है। उसने खुली धमकी दी है कि रोक सको तो रोक लो, कितने मरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी ओनली तुम्हारी। युवती के पिता सुभाष जायसवाल ने एक बार फिर धमकियों से परेशान होकर सोमवार को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की है। सुभाष जायसवाल ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 5 मार्च को किशनगढ़ में मेरे घर पे 3 गुंडों ने फायरिंग करके पिस्तौल की नोक पर मेरे साथ मारपीट करके मेरी गुटिया को उठा के ले गए थे। उनकी जमानत हो गई। उसके बाद में मेरी बिटिया को उसने उसके पास रखा, नारीशाला चले गई। नारीशाला से उसने गलत तरीके से उसको वहाँ से निकलवाया, साथ उसको दबाव में रखा। और मैं शुरू से कहता रहा हूँ मीडिया को और आप सभी को कि वो दबाव में है, दबाव में है। 10 तारीख को उसने एक इन बाप बेटों की, इन महावीर प्रसाद इसके और सुनील चौधरी, इनके दोनों की फ़ोन पर बात सुनी। जब उन्होंने ये कह रहा था सुनील चौधरी को उसका बाप कि इसको भेज दे ले जाके कहीं, तो ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। एक गुड़िया ने जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के 11 तारीख को वहाँ से भगी भजन कॉलोनी से उसके घर से और पास में गांधीनगर थाने में आगे पहुँची। वहाँ उसने घटनाक्रम में आप अनेकों बार अधिकारियों से मिल चुके, आखिर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या वजह है कि अब तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? केवल मेरे को सुरक्षा दी गई है, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे रोज़ धमकी मिल रही है। किस तरह की धमकी मिल? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे फ़ोन पे, मेरे बच्चों के फ़ोन पे, जान से मार देंगे, उठा लेंगे, समझौते का दबाव बना रहे हैं। एक तरफ पुलिस कहती है कि आमजन में विश्वास की बात है, इस तरह से कैसे कायम हो पाएगी, क्या मानते हैं? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, कैसे होगा। कल ही मेरे पास में मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे बच्चे के पे उसने धमकी दी है कि 5 जुलाई को मैं सबको ख़त्म करके छोरी को उठा के ले जाऊँगा। अब क्या कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? अभी SP साहब से विज्ञापन देना है, हम कलेक्टर साहब को दिया है। अभी जो उच्च समझे कार्रवाई करें ना, उसकी गिरफ्तारी हो रही। और एक मुजरिम जो कृष्णा चौधरी है वो 5 मार्च से ही फरार है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाए और हथियार उसी के पास में। ऐसे में आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या करूँगा? लास्ट ये रहेगा मेरे को मरना पड़ेगा, मेरे परिवार के साथ मैं आत्मदाह करूँगा। अच्छा, क्योंकि रोज़ रोज़ तिल तिल से करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बार मर जाऊँ। सुबह शाम टेंशन रहती है, धमकी आती है, बराबर धमकी आ रही है, टेंशन में रह रहे हैं। आत्मदाह करना भी एक अपराध होता है। क्या करूँ मैं, मेरे को परेशान हो रहा हूँ मैं, मतलब इतना डिप्रेशन में आ रहे हैं हम सारे घर के कि हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए। निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने किया दान पुण्य। मंदिरों में भक्तों ने मटकी, सुराही, शरबत, पंखी, फल और वस्त्र इत्यादि का किया दान। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर सोमवार को दान पुण्य की गंगा बही। श्रद्धालु भक्तों ने मटकी, सुराही, शरबत, पंखी, फल, वस्त्र इत्यादि का दान किया। मंदिरों में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। केसरगंज स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर के पंडित ज्योतिषाचार्य तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि साल भर की 26 एकादशी का पुण्य आज के दिन एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन दान पुण्य कर धर्म लाभ कमाते हैं। आज के दिन किए गए दान पुण्य का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आप बताइए महाराज, आज निर्जला एकादशी है, क्या है रहता है आज के दिन? आज जो जेठ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी रूप में माना जाता है। इस एकादशी पर शास्त्रों के अनुसार है कि भाई अगर अपन पूर्ण मास को एकादशी नहीं करते और आज निर्जला एकादशी कर देते हैं तो उसका पुण्य जो 26 एकादशी साल वर्ष में आती है उसका पुण्य आज प्राप्त होता है। आज निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और आज निर्जला के उसमें घट का, मटके का और भगवान को शक्कर का और पंखे का दान किया जाता है, जिससे स्वर्ग और वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में भगवान की प्राप्ति होती है इस दान से। और इस दान के द्वारा आदमी की सब मनोकामना कार्य पूर्ण होकर और स्वर्ग और मोक्ष और सद्गति की प्राप्ति होती है, वैकुंठ प्राप्ति होती है। आज के द्वारा एकादशी का व्रत किया जाता है, उस एकादशी में बिना जल के लिए अन्न के साथ अन्न का भी त्याग करना पड़ता है और जल का भी त्याग करना पड़ता है और पूर्ण दिन निर्जल रहकर भगवान की निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। CRPF ग्रुप केंद्र 1 में मनाया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। CRPF GC1 के DIG रेंज अरुणेंद्र प्रताप ने योगाभ्यास कर फिट रहने की दी जानकारी।
21 जून को सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र एक में भी मनाया गया। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र एक के रेंज डीआईजी अरुणेंद्र प्रताप के नेतृत्व में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र एक रेंज और ग्रुप के साथ ही कंपोजिट हॉस्पिटल ने संयुक्त योगाभ्यास एक ही जगह पर किया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और जवान शामिल हुए। डीआईजी अरुणेंद्र प्रताप ने बताया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा गया, जो स्वीकार होने के बाद ही आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है और यह भारत की शक्ति को प्रदर्शित करता है। सैन्य बलों के लिए पीटी के साथ योगाभ्यास नियमित श्रम में शामिल है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज ग्रुप सेंटर 1 में मनाया गया। रेंज, ग्रुप सेंटर 1 और कंपोजिट हॉस्पिटल, ये तीनों कार्यालय जो कि GC1 में स्थित हैं, इनके सभी अधिकारी, इनके सभी जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं, ये सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। ये भारत के प्रयासों से ही संभव हो सका कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने ये प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशंस में, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया और 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। आर्म फोर्सेस का योगा में बहुत बड़ा हाथ है, हम लोग इसे बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं। योगा हमारे रूटीन में शामिल है। पीटीज के अलावा हम लोग, हमारे जवान योगा भी करते हैं ताकि वो लोग स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ रह के अपने देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।